ह्यूमन राइट ऑफ पाकिस्तान ने अभी कल और परसों एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि तकरीबन 30 के करीब इंटीरियर सिंध में हिंदू हैं जिन्हें किडनैप कह लें या उन्हें पोस्टेज करके उन्हें जो है वो रखा गया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? इस खबर ह्यूमन राइट की ये रिपोर्ट है, आप चेक कर सकते हैं जाके। हमारे में कहावत की जाती है कि घर का भेदी लंका ढाए, जो घर का भेदी होता है। हमारे को यहाँ पे किसी मुसलमान भाई से कोई तकलीफ नहीं है, उल्टा जितने हमारे उस मंदिर के पास जितने जो पुराने मुसलमान भाई यहाँ पे रह रहे हैं वो उल्टा सपोर्ट में हमारी हैं कि ये मंदिर ही है। मेरे भी क्यादत ने मुझे यहाँ भेजा है और अभी मैं यहाँ पे ये सारी रिपोर्ट बिलावल भुट्टो साहब या जो मरकजी क्यादत है उनकी तरफ से भेजा। देखें, बिलावल साहब ने मुझे सेक्रेटरी इतला पीपल्स पार्टी का मिनोरिटी विंग का इसलिए बनाया है। ये एक साइड का मौकफ था जो इस कम्युनिटी ने अपना मौकफ दिया, अपना स्टांस दिया। अभी उस साइड पे भी चलेंगे, जाहरी बात है मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उस साइड पे भी जाके उनका भी स्टांस लूं। पाकिस्तान की जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें कोई और तश्वीश नहीं है सिवाय फोर्स कन्वर्जन के। फोर्स कन्वर्जन एक है, उस पे हमारे को टेंशन भी है, तश्वीश भी है कि हमारी अंडर माइनर जो बच्चियां हैं, खास तौर पे बच्चियां, माइनर जो बच्चियां हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है। इस पे देखना, आप अगर ईमानदारी से सर काम करेंगे इनके लिए तो किसी की जरूरत ना थी ना। आपका नाम क्या है? डॉक्टर राकेश मुतयानी। डॉक्टर साहब, आप वहाँ मौजूद थे जो मंदिर में डिमोलिश की खबर चल रही है, आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे? ये जो हिंदू कम्युनिटी है, मद्रासी कम्युनिटी है, प्रोटेस्ट कर रही है, क्या वजह है? देखिए, ये तो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही थी तो मैं एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी इतला कराची मिनोरिटी विंग को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी मेरा कांटेक्ट है, तो मैं अभी पहुँचा हूँ। मैंने मंदिर का विजिट भी किया है, उसके जो बराबर में जो प्लाट आ वो भी किया है, तो काफ़ी न्यूज़ चल रही थी और स्पेशली न्यूज़ पे हमें तश्वीश थी जो इंडिया की मीडिया चला रही थी कि पाकिस्तान में हिंदू के मंदिर तोड़े गए हैं, डिमोलिश किए गए हैं, तो सबसे पहले तो हमें उसको जवाब देने की जरूरत। ठीक है, वो जवाब जरूर देंगे अगर वो झूठ बोलेंगे, लेकिन आपका क्या स्टांस है? आपने अभी जो बोला कि वहाँ पे जो इशू है 1500 साल पुराना मंदिर है, इनका तो स्टांस ये है, क्या कहेंगे आप? जी क्या कहेंगे जी? 150 साल पुराना मंदिर है हमारा, और जो रेखा जी वो जब दिखा रही है वो छोटा सा मंदिर बना के आया कि वो मंदिर नहीं है। ठीक है, वो पूरी जगह मंदिर के हिस्से में आती है और उसकी जो है प्रूफ भी हमारे पास मौजूद है, हमारी जमात के पास, जिसकी जो तस्वीरें हैं, मंदिर का नक्शा भी होगा आई थिंक जब वो बना है, वो सारी चीज जी क्लियर कर दूं। देखो, ये तो हमारी हिंदू कम्युनिटी और हम सब मिलके इस मसले को हल करेंगे, क्योंकि वो एक बंदे की प्रॉपर्टी नहीं है, वो मंदिर है, मंदिर के बराबर में भी मूर्ति थी और उनकी रिहाइश थी, तो इसी तरह से किसी मतलब को भी हक नहीं है। सॉरी, आपकी बात को थोड़ा रोक रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मेरे भाई, मेरे हिंदू कम्युनिटी भाई, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सच प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, देखो ना, मैं भी एक हिंदू हूँ, ये भी हिंदू है, तो हमारे जज्बात होते हैं। मतलब नुकसान पहुंचाया गया मंदिर को? नहीं, नुकसान नहीं, देखो ना, नुकसान पहुंचाया गया, नुकसान देखो ना, एक इशू अलग है। आप ये बताएं, आप मेरी बात सुने ना, नुकसान न किसी मुसलमान भाई ने या किसी इंतजार ने या किसी और शरपसंद ने नहीं पहुंचाया है। हमारा बात क्लियर करने की जो हमारा मैसेज आना चाहिए वो ये होना चाहिए, ये तो वहाँ की जो पूजा महाराज की जो बेटी है रेखा है, उसने अपना मर्जी से उस मंदिर का जो दूसरा हिस्सा था उसको तोड़ा करके वो कमर्शलाइज करने जा रही है, वहाँ पे 6 मंजिला बिल्डिंग बनाने की जा रही है, उस पे हमारी जो हिंदू कम्युनिटी की जो एतराज है वो अपनी जगह पे जायज है, और हम मैं अभी अपनी इस कम्युनिटी के लिए इसलिए खास इधर मिलने आया हूँ। ये वहाँ पे भी आए थे क्योंकि वरना वहाँ पे एक बड़ा इशू होने जा रहा था, इसलिए इसको रोक रहे थे ये लोग, बता रहे थे ये हमारे हमारे हिंदू कम्युनिटी हमारी हिंदू कम्युनिटी एक समझदार है, वो पाकिस्तान में रहते हैं, हमें फख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं और हम इस पाकिस्तान में हमें मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। हम यहाँ पे होली, दिवाली और दूसरे जो भी त्यौहार हैं वो हम फैमिली के साथ मनाते हैं, और हमारे मुसलमान भाई आप जैसे दोस्त भी हमारे साथ होली मनाते हैं और हम ईद भी मनाते हैं, तो इसमें तो दो राय है ही नहीं, लेकिन ये एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी है, वो हम उनकी रिसर्च कर रहे हैं, हमने उसे
से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, मेरे भी क्यादत ने मुझे यहाँ भेजा है और अभी मैं यहाँ पे ये सारी बिलावल भुट्टो साहब या जो मरकजी क्यादत है उनकी तरफ से भेजा। देखें बिलावल साहब ने मुझे सेक्रेटरी इतला पीपल्स पार्टी का मिनार्टी विंग का इसलिए बनाया है की हम मिनार्टी के जो इश्यूज हैं वहाँ पे फौरन पहुँच के हमारी क्यादत तक वो रिपोर्ट भेजें, और अभी भी मैं जो हमारी जो मिनिस्टर ऑफ मिनार्टीज हैं उनको मैं ये रिपोर्ट दूंगा, लेकिन हम अपनी कम्युनिटी को भी सुनेंगे ताकि हम वहाँ पे कोई सुटेबल चीज बना सकें। लेकिन अब जो मेरे जहन में आइडिया आया है वो एक अच्छी जगह है, हमारे यहाँ पे मंदिर बहुत हैं, क्यों ना हम आगे बढ़ के एक कम्युनिटी सेंटर बनाएं, वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ें, एक वहाँ पे हेल्थ सेंटर बना दें, वहाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम हो, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, हम एक कदम आगे बढ़े ना, हमें आगे बढ़े। हम कब तक ये मजहब कार्ड खेलते रहेंगे, अपने आप पे ब्लेमिंग करते रहेंगे, ये आपकी इस तरह से हो जाएगी। लेकिन सर मुझे ये बताएं, आपने अभी स्टार्ट में बोला ह्यूमन राइट से आपका राबता है, आप उनके साथ राबते में, ह्यूमन राइट ऑफ पाकिस्तान ने अभी कल और परसों एक रिपोर्ट शाया किया जिसमें उन्होंने ये बोला है कि तकरीबन 30 के करीब इंटीरियर सिंध में हिंदू हैं जिन्हें किडनेप कह लें या उन्हें पोस्टेज करके उन्हें जो वो रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? इस खबर ह्यूमन राइट की ये रिपोर्ट है, आप चेक कर सकते हैं जाके। बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ गोटकी में, एक दो जो वाक्यात हुए थे उसमें हमारे सिंध पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करके एक छोटा बच्चा है वो बाजियाब कराया था। अभी भी 2 से 3 जो बंदे हैं वो उन डाकुओं के पास है, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के नहीं मुस्लिम कम्युनिटी के भी कुछ लोग हैं, वो कच्चे के जो डाकू हैं उन वहाँ पे हैं, और आपने कल भी देखा होगा मीडिया पे और परसों भी, अभी वहाँ पे रेड चल रही है, पुलिस एक्शन में है और स्टैंड बाय जो दूसरी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी उधर हैं, वो रेड चल रही है, इंशाल्लाह हम उनको बाजियाब कराएंगे। सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स पे यकीन रखती है और उस पर हम कामयाब हो जाएंगे। ये एक साइड का मौकफ था जो इस कम्युनिटी ने अपना मौकफ दिया, अपना स्टांस दिया, अभी उस साइड पे भी चलेंगे। जाहिर बात है मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उस साइड पे भी जाके उनका भी स्टांस लूं। लेकिन सर लास्ट में मैं आपको बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप, ये मिनोरिटी है पाकिस्तान की, हमारा दिल है ये मिनोरिटी, आप इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप भी इस मिनोरिटी से तल्लुक रखते हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप अगर ईमानदारी से सर काम करेंगे इनके लिए तो किसी की जरूरत ना थी ना होगी कि वो इनको हाथ लगा सके, अगर आप इनके लिए दिल से खड़े होंगे। देखिए हम तो मिनोरिटी के लिए हैं और हमें प्राउड है, हम पाकिस्तानी हिंदू हैं, ठीक है, और हम हर जगह पे पहुंचते हैं, जो जब भी नारायणपुरा में मंदिर का इशू हुआ था हम वहाँ पहुँचे थे, अभी हमने नीलम कॉलोनी केएमसी ग्राउंड में 85 लाख रुपए का एक शानदार मंदिर बना के दिया है, वहाँ पे जो पेंशन के इश्यूज हैं वो भी हैं, और मिनार्टी का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का जो मिनार्टी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से हम मेडिकल चेक भी देते हैं, एफए के चेक भी देते हैं, अभी आइंदा हमने लॉन्च किया है, हम रोजगार के लिए ठेले भी बयान कर रहे हैं, सिलाई मशीन भी दे रहे हैं, हमें कोई वो तशवीश नहीं है, लेकिन ये है कि बेरोजगारी है वो तो पूरे पाकिस्तान में है, महंगाई है जो इशू है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन इस नेक काम में मैं भी अपनी तरफ से जो मेरे से हो सका हम यहाँ पे हिस्सा डालेंगे आपके साथ मिलके, और साथ ही साथ जो पीपल पार्टी की, क्योंकि इस टाइम सिंध में गवर्नमेंट है, हम सीनियर क्यादत से भी कोशिश करेंगे, रابطे में है मेयर ऑफ कराची से, हम रابطे कोशिश करेंगे हमारे चैनल के थ्रू हम उनसे बात कर सकें कि मिनोरिटीज का जो इशू उठाया जाता है, जो बात की जाती है, आखिर क्या वजह है, किस दिन ये इशू खत्म होगा, किस दिन हिंदू मुस्लिम के इशू पाकिस्तान में खत्म होंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरी साइड का स्टांस दिखाएंगे। ये थी आज अभी की वीडियो, आपको कैसी लगी? मैं करेक्ट करूंगा, आपने अभी बोला कि हिंदू और मुस्लिम इश्यूज, मैं ये यहाँ पे कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान में हिंदू और मुस्लिम के कोई इशू नहीं है, हम हिंदू और मुसलमान भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ हर दुख और सुख में साथ रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, हमें कोई तशवीश नहीं है, हमें कोई भी तशवीश नहीं है, बाकी ये छोटे मोटे इशू हर जगह पे होते हैं, हर घर में होते हैं। यहाँ पे एक करेक्टर के बारे में सुना जाता है मियाँ मिट्ठू, मियाँ मट्ठा के नाम से, वो बड़ा मतलब बड़ा फेमस करेक्टर है, बड़ा नाम है कि भाई वो फोर्स कन्वर्जन के हवाले से उनकी बात की जाती है, आप जानते होंगे, अगर आप ये कहें मैं जानता नहीं, नहीं तो मैं आप देखो वो यहाँ पे हमें एक तशवीश है कि भाई एक अगर मर्जी से दूसरे मजहब में जाना चाहता है तो हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके लिए एक इदारा होना चाहिए गवर्नमेंट के अंडर में, जुडिशरी के अंडर में, सिर्फ एक मियां मिठू को वो सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए कि वो अपने या मर्जी से जो भी आए बगैर किसी परमिशन के अपनी ये कन्वर्जन करे। हम
हर मजहब का एहतराम करते हैं तो और दूसरों को भी अपने हमारे मजहब का एहतराम करना पड़ेगा। वो मियां मठा पाक मियां मिठू है मियां मठा जो भी नाम है वो पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल नाम बदनाम क्यों नहीं आप उनके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं? आप तो गवर्नमेंट में, हम गवर्नमेंट में है, हमने एक्शन में लिया है। आपको याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो MNA था, वो टिकट होल्डर था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसको टिकट नहीं दिया, उसको पार्टी से निकाल दिया। और हम मैं आपके चैनल से ये कहता हूँ के भाई जो आला इदारे हैं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो भी इस मामले में देखें। पाकिस्तान की जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें कोई और तश्वीश नहीं है सिवाय फोर्स कन्वर्जन के फोर्स कन्वर्जन एक है, उस पर हमारे को टेंशन भी है, तश्वीश भी है कि हमारी अंडर माइनर जो बच्चियां हैं, खास तौर पे बच्चियां, माइनर जो बच्चियां हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है, इस पे देखना चाहिए। वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने उसमें कानून भी बनाया है, उसमें अमेंडमेंट भी किया है और उस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो काम है, अदालतों का काम है और वहाँ से हमें इंसाफ की उम्मीद है। जबरदस्त जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। ये बच्चे, ये लड़कियाँ आज खड़ी हुई, ये सब छोटे थे, ठीक है, इसकी बहन भी एक देर, जाहिर बात है 150 साल पुराना मंदिर है, तो जब मंदिर इनके हवाले की ये आके रोए हमारे पास घर बार नहीं है, इसके बाप एक पुजारी था, ठीक है, तो मंदिर का सेवा करने के हमारे हिंदू पंचायत के पुराने जो बुजुर्ग जमा इनको रियायत दिया देने के, आप रहे हो ठीक है, पूजा पाठ सेवा वगैरह, ठीक है। अच्छा आपने हमें कहाँ पे देखा, चैनल पे? टीवी में देखता हूँ, ठीक है, आपका चैनल सुनता हूँ, ठीक है। क्या आपको लगता है कि हम आपके साथ खड़े हैं? बिल्कुल ताउन करते हैं आप, ठीक है, आपका ताउन करना है, हमें अच्छे लगा, बहुत शुक्रिया। और हम लाहौर से इधर इसी वजह से आए हैं कि देखें ये मेरी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ मंदिर, ये पाकिस्तान का हिस्सा है ना, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, तो ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मेरी भी प्रॉपर्टी है, तो ये हम मेरी भी जिम्मेदारी है इसकी मैं हिफाजत करूँ। ये देखें एक मस्जिद को कोई कब्जा कर सकता, बेच सकता, तो फिर ये मंदिर को किस तरह बेच दी? ऐसे ही है, ये कितना बड़ा जुल्म है, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है सब झूठा है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर इशू ये आ रहा है ना, वो आपकी ही कम्युनिटी है, ये नहीं कोई दूसरा। एक मिनट जी, पहली बात तो वो लड़की, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, अच्छा अच्छा, शादी किया, जो भी हमें पता चला कि इस्लाम, आप इस्लाम के तरफ तवज्जो दें, कुरान पाक पढ़ें, ठीक है, किसी को डिस्टर्ब ना करें। अब वहाँ के फिर आपको पूजा में क्या काम है? आप एक चीज छोड़ दी, हमें खुशी है कि आपने ये छोड़ के इस्लाम कबूल कर लिया, अब उसके ऊपर तवज्जो देना। हाँ हाँ, आप किसी को तो ना तंग करें, आप उसके ऊपर तवज्जो नहीं देने, फिर यहाँ पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब इस्लाम के साथ आप खिलवाड़ कर रही है, कितना बड़ा गुनाह, इस्लाम के साथ नहीं, दोनों मजहब के साथ, यहाँ से भी वहाँ से, और किस तरह वो खिलवाड़ करे? इसके पास जो डॉक्यूमेंट है सब झूठे, ठीक है, और ये मंदिर का पूरा प्रॉपर्टी दोनों मंदिर का है, ठीक हो गया, इसने मंदिर को उठा, हमारे देवी स्थान बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है, हम उसके, हमारी कुल देवी है, हम बहुत दिल से उसका पूजा करते हैं, लेकिन उसको उठा के नाले को पर रख दिया। अब देखें कितना बड़ा उसने गुनाह किया, पाप किया बिल्कुल, हमें पुलिस भी सपोर्ट नहीं कर रही, पुलिस वहाँ से भगा रही, मंदिर खोल के हम दर्शन, आज हमारा बहुत बड़ा दिन है, तो वो भी हमें मंदिर, तो अभी हमने जो पीपल पार्टी के नुमाइंदे को, मिनिस्टर को बुलाया है, वो यहाँ पे आएंगे, हमारी पूरी टीम आई है यहाँ पे, और हम यहाँ पे आप लोगों को साथ लेके चलेंगे, ये जो मेरी बहन है, मेरी माँ बैठी हैं जी, पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर करें जो आए, मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एक बात कहा कि हम यहाँ शॉपिंग मॉल, आप बताएं मंदिर में कोई शॉपिंग मॉल बनता है? ओ सर आप देखें, ठीक है, मंदिर के ऊपर कोई मस्जिद तोड़ के शॉपिंग हॉल, या कोई पाकिस्तान में प्लाट कम है? बिल्कुल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम आसिफ अली जरदारी साहब से गुजारा करते हैं कि इस मसले को हल करें, और आसिफ मुनि जनरल साहब को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मसला हल करें, और वजीर आजम साहब को भी, शहबाज शरीफ साहब को भी ये कहते हैं, और CM साहब से भी हमारा दरख्वास्त है कि हमारा मसला, हमारे पास, हमारे लोगों के पास सारा सबूत है कि ऐसे नहीं है, उसने जो कागजात बनाई थी वो बेबुनियाद है, आपने शादी किया नहीं किया, एक वो उनका मैटर है, वो उनका मैटर, पर्सनल मैटर है, लेकिन हमारी चीज को तो इस तरह का काम ना करें, ऐसे ही है बिल्कुल, कि आप लोगों को मीडिया हमारे साथ ताउन कर रहा है तभी हम कुछ बोल सके, ठीक, हम चाहते हैं हमारे मंदिर हम लोगों को दे दिया जाए और हम लोग पूजा पाठ। लेकिन अंकल मैं आपको बताऊं, अब दौर बदल चुका है, पाकिस्तान में अपनी आवाज आपने उठानी है, हम आपके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के लोग जो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हमारे साथ ताउन करते हैं, ऐसा नहीं कि मुसलमान लोग साथ, हमारे साथ जितना आज़ादी हमें यहाँ पर है मैं शायद दुनिया में कहीं, ठीक हो गया जबरदस्त, क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान ये सोने का मुल्क है, लेकिन इस मुल्क को कोई कदर नहीं कर रहा, कदर नहीं कर रहा। आपका नाम क्या है? पुन्नु स्वामी।
पुन्नू स्वामी। ठीक है अंकल जी, मैंने आपको यही बात की है कि अब दौर बदल चुका है। मैं आपको भी यही कहता हूँ मेरे भाई कि अब हमने आपने अपनी आवाज़ खुद उठानी है। जो डर गया वो मर गया, और शायद यही वजह है कि ये चीज़ें होती नजर आ रही हैं। अब हमें बजा हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रहे, वो हमें वहाँ से 18 मंदिर अब जाके एक मस्जिद को अगर बंद करके कोई नमाज पढ़ने आता है किसी को इजाजत नहीं मिलेगा कि अंदर जाके नमाज पढ़े, वो तो हमें घुसने नहीं दिए, ताला लगा कर अभी चलते हैं ना आप, हम आपके साथ चलते हैं मंदिर को खुलवा के अंदर देखें क्या काम हो रहा है। आप कोशिश करेंगे अगर हमारे से हो पाया हमारी टीम से, क्योंकि हम प्रॉपर थ्रोट प्रॉपर चैनल चल रहे हैं, गवर्नमेंट के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, पुलिस के सिक्योरिटी पुलिस के लोग हमारे साथ वहाँ मौजूद हैं, तो हम कोशिश करेंगे जो कानून के मुताबिक चीज़ें हैं वो वहाँ पे की जाए, मंदिर को खुलवाया जाए, वहाँ पे ये दर्शन करें इबादत करें, ये उनका हक है, राइट है। पाकिस्तान का कानून पाकिस्तान का आइन ये हक देता है, और कायदे आजम ने जिन्होंने ये पाकिस्तान बनाया बाबा कौम, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि ये पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान है जहां पे कोई भी मजहब का बंदा हो उसे मुकम्मल आज़ादी है, वो अपने मंदिर में जा सकता है, वो अपनी मस्जिद में जा सकता है, वो अपने गुरुद्वारे में जा सकता है। लेकिन जो आज हमने यहां पे सिचुएशन देखी और इनसे जो हम बात सुन रहे हैं कि मंदिर को ताला लगाया गया है, क्या ये वही कायदे आजम का पाकिस्तान है? क्या ये वही पाकिस्तान है जिसके लिए बहुत सी दी गई, जिसके लिए ये कहा गया कि अब इसको एक फलाही रियासत बनाएंगे जहां पे कोई भी मजहब की तफरीक नहीं होगी, क्या ये वही पाकिस्तान है? ये सवालिया निशान है मेरा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, सिंध की गवर्नमेंट के लिए और अदारों के लिए। अब दरअसल एक छोटी सी हमारे में कहावत की जाती है कि घर का भेदी लंका डाए, जो घर का भेदी होता है, हमारे को यहाँ पे किसी मुसलमान भाई से कोई तकलीफ नहीं है, उल्टा जितने हमारे उस मंदिर के पास उस मंदिर के पास जितने जो पुराने मुसलमान भाई यहाँ पे रह रहे हैं वो उल्टा सपोर्ट में हमारी हैं कि ये मंदिर ही है सिर्फ हमारी जो है। उसके ऊपर हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, क्योंकि वो भी बकायदा अगर बताएंगे, एक झूठ बोलेगा दो बोलेगा, जब 5-6 लोगों से बात की जाएगी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सच सामने आ जाएगा, और कोशिश करेंगे वो सच आप तक पहुँचाया जाए, उनसे हम बात करेंगे जी। हमारा अपनी जो हिंदू है जिसको हमने मंदिर की देखभाली के लिए रखा था, रेखा शायद रेखा का नाम है उसका, उसके वालिद साहब को दी गई थी जगह और उसकी जगह वो बैठी है, तो वो खुद लोगों के साथ मिलके कुछ लोग हैं जो ये इंतजार फैला रहे हैं है। जिनको प्रॉपर्टी का लालच है कि एक इमरान हाशमी का नाम आ रहा है, वो कौन है? वो उनके शोहर है या कौन है? अब अल्लाह जानता है या वो जानती है उसके साथ उसका क्या। अब ये उसी के साथ रहता है, उसी घर में, उसी घर में रहता है, इधर ही मंदिर के मुस्लिम है, उसका वो क्या काम है मंदिर के अंदर रात दिन एक गैर औरत के साथ रहना? आया कि उनका कोई संबंध है तो वो सामने पेश करें, ऐसे ही सही है। आप अगर उसने उसके साथ रह के शादी कर ली, इस्लाम कबूल कर लिया है, तो तब भी वो जाए बाहर जाके रहे, उनके घर में रहे, मंदिर का फिर वो ऐसे ही है। सही है, हम जाते हैं मजारात पे जाते हैं, वहाँ पे भी इबादत करते हैं, पर मस्जिद हम नहीं जाते हैं। ठीक है, सही है, हम मंदिर जाते हैं, मजारात में जाते हैं, मौला अली हो गए, जितने भी पीर मुर्शिद हो गए हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि जो मौला अली ने जो कुर्बानी दी वो तो कभी भी बुलाई नहीं जा सकती। हम दीन इस्लाम में रहते हैं, इस्लाम यही चीज है। देखें अब यहाँ के मिनोरिटी, यहाँ के हिंदू ये बात कर रहे हैं कि हम हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी भी ये जिम्मेदारी है हर पाकिस्तानी की। मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज पहले इन चीजों को लेके, ह्यूमन राइट क्या जो स्टेटमेंट आ रही है, कभी इंटरनेशनल लेवल से जो स्टेटमेंट आती है, कभी हमें यूनाइटेड नेशन से कुछ सुनना पड़ता है, इन चीजों को रोकने की जरूरत है। वो तभी रुकेगा जब हम आंखें खोलेंगे, जब सच का सामना